वेलकम टू पटनायक कंप्यूटर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम, और टैली प्राइम में आज हम सीखेंगे सेल्स इंटर स्टेट एक्सेम्प्ट बिल की एंट्री करना। इसका मतलब है जब हम अन्य राज्य के कस्टमर को सामान बेचेंगे, मतलब दूसरे राज्य के कस्टमर को सामान बेचेंगे, तब इसका एंट्री किया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर MS Excel में हमारे पास एक सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट का बिल है, इसकी एंट्री करेंगे। ये बिल 1 मई 2023 का है और यहाँ सुखविंदर सिंह नाम के कस्टमर हैं जो हमसे सामान ख़रीद रहे हैं कैश में, और ये अमृतसर पंजाब में रहते हैं और ये ख़रीद रहे हैं Realme 9 Pro बैक कवर। तो इसका एंट्री हम Realme 9 Pro बैक कवर और एक चार्जर भी ले रहे हैं, तो इसका एंट्री हम टैली प्राइम में चलिए करते हैं। ये हम टैली प्राइम में आ चुके हैं, हम वाउचर के अंदर जाते हैं सीधा। ये सेल्स का वाउचर ही खुला हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डेट डालते हैं, तो डेट के लिए हम फंक्शन की यूज करते हैं F2। F2 प्रेस करते ही वाउचर डेट आ चुका है। अब यहाँ पे बिल में वापस आ जाते हैं, देखिए 1 मई 2023, तो हम केवल लिखेंगे 1 days 5, इतना में टैली डेट को ले लेगा ये। उसके बाद हमको पार्टी नाम का लेज़र यहाँ बनाने की ज़रूरत है कि नहीं, बिल देख के देखते हैं। देखो, कैश में जब भी सामान कोई कस्टमर ख़रीदता है तो पार्टी नाम का लेज़र नहीं बनता, बल्कि कैश का लेज़र लिया जाता है। तो यहाँ पे हम कैश का लेज़र ले लेते हैं, ये हमने कैश लिख दिया। इसके बाद पार्टी का डिटेल पूछा जाता है, तो यहाँ पे डिटेल को फिलअप कर सकते हैं। ये देखिए, इनका नाम वहाँ डाल देते हैं, यहाँ पे हमने नाम डाल दिया, मेलिंग नेम ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद एड्रेस यहाँ पे इनका रख देते हैं, ये हमने एड्रेस 2 लाइन में डाल दिया है, अमृतसर पंजाब। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि अगर ये पंजाब के हैं तो स्टेट में भी हमको यहाँ पे आके पंजाब करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट छत्तीसगढ़ है, अगर हम इसको छत्तीसगढ़ ही रहने दिए गलती से तो बिल गलत बन जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से पंजाब सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये साधारण कस्टमर हैं क्योंकि इनके पास GST नंबर वगैरह नहीं है, इनका कोई शॉप नहीं है, ये हमसे सामान यूज करने के लिए ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पे ये कंज्यूमर अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अब यहाँ पे सेल्स का एक नया लेज़र क्रिएट होगा। देखिए, यहाँ पे एग्जेम्प्ट का बना चुके हैं, GST का हम बना चुके हैं, सेल्स IGST सेल्स बना चुके हैं। अब ये जो बन रहा है ये इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट है, मतलब इसमें टैक्स लगा तो नहीं है और अन्य राज्य के जो व्यक्ति हैं वो हमसे सामान खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे Alt C करके सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट करके एक सेल्स का लेज़र हमने बना दिया। और सेल्स का कोई भी लेज़र बनता है तो उसका ग्रुप होता है सेल्स अकाउंट, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे हम सामान को लाएंगे, क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, परचेस करते समय हम क्रिएट कर चुके हैं। तो देखिए, ये सामान को टाइप करके देखते हैं, Realme 9 Pro, ये Realme लिख 9 Pro आ चुका है, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अभी हमारे पास 100 पीस स्टॉक में पड़ा हुआ है, देखिए दिख रहा है ये। इसके बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी लिखेंगे, ये 10 की क्वांटिटी में सेलिंग हो रहा है तो यहाँ पे 10 लिख दिए। इसके बाद इसका प्राइस एक का है 199, तो यहाँ पे 199 कर दिए, टोटल ऑटोमेटिक आ चुका है। सेकेंड आइटम यहाँ पे देखते हैं क्या है, Realme पावर चार्जर, इसको भी टाइप करते हैं। देखिए, Realme पावर चार्जर भी आ चुका है, इसको सेलेक्ट किए, ये भी 10 पीस में बिक रहा है, इसका भी प्राइस जो है वो 399 है। तो ये देखिए, टोटल 5980 का बिल बन चुका है, यहाँ मैच कर सकते हैं हम, बिल्कुल मैच हो रहा है, ये बिल सही बना हुआ है। बस अब हम कंट्रोल ए करके इसको सेव कर सकते हैं, ये हमने कंट्रोल ए किया और ये बिल सेव हो गया। इसके बाद सेकेंड बिल हम बनाएंगे यहाँ पे, सेकेंड बिल देखिए जो है वो उधारी का बिल है, विनोद सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं, यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमसे सामान उधार में ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वाउचर का डेट लिखेंगे 1 जून 2023, ये हम F2 प्रेस कर देते हैं, 1 days 6। इसके बाद हम पार्टी नाम का यहाँ पे लेज़र हमको बनाना पड़ेगा क्योंकि उधारी में सामान ले रहे हैं,
तो यहाँ पे आल्ट सी करके हम बनाएंगे। विनोद सिंह को यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ आल्ट सी करते हैं और ये विनोद सिंह नाम से लेज़र बनना शुरू हो चुका है। ये हमारे कस्टमर हैं, हमसे सामान खरीद रहे हैं, बदले में हमको ये पैसा देंगे। तो देनदार को टैली की भाषा में डेटर्स कहा जाता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सेंड्री डेटर्स। इसके बाद यहाँ पे हम एड्रेस लिख देते हैं इनका, ये MG रोड झारसुगड़ा उड़ीसा। और यहाँ भी हम स्टेट को इनका चेंज कर देते हैं, ये उड़ीसा। इसके बाद हम इसको कंट्रोल ले करके सेव कर देंगे। तो पार्टी का नाम का लेज़र हमारा बन चुका है और यहाँ पे एक बार और सेव कर दिए। इसके बाद हम सेल्स का लेज़र बना चुके हैं पिछला बिल में, तो बस सेलेक्ट करेंगे उसको। अब इसके बाद देखते हैं क्या क्या सामान ये ख़रीद रहे हैं हमसे। कार्ड रीडर, तो यहाँ पे कार्ड लिखते ही देखिए कार्ड रीडर आ चुका है, ये हमने इसको सेलेक्ट किया। कितने क्वांटिटी में परचेसिंग हो रहा है, 12 के क्वांटिटी में, तो 12 पीस हो गया, एक का रेट हो गया 25। इसके बाद दूसरा आइटम है OTG केबल, ये OTG केबल हमने सेलेक्ट किया, ये भी 12 पीस है, एक का प्राइस 40। तो ये 780 का बिल बन चुका है, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको भी हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो एक बिल हमने बनाया कैश का और एक बिल हमने बनाया उधार का, जो दूसरे राज्य के व्यक्ति थे वो हमसे सामान खरीद रहे थे। तो इसका एंट्री कैसे करना है इसको हमने सीखा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम परचेज़ की पूरी एंट्री सीख चुके हैं जितने प्रकार की होती है, और सेल्स का भी पूरा एंट्री सीख चुके हैं। इसके बाद हम नया वाउचर में एंट्री करना सीखेंगे। ओके।